संवेग में परिवर्तन व बल, फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिससे खराब बैटरी वाली कार को सीधी सड़क पर गति करने के लिए धक्का दिया जाता है। शुरुआत में कार चालू नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार की गति बढ़ती जाती है और गति तेज होने के बाद ही कार को चालू करने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि लगातार बल लगाने से कार का संवेग भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस पर भी निर्भर करता है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में बल का मान और बल के कार्य करने का समय महत्वपूर्ण होता है। 5.5 गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यदि F नेट असंतुलित बल हो जो वस्तु पर लग रहा है, P संवेग हो, गति के द्वितीय नियम के अनुसार F समानुपाती P2 - P1 / T2 - T1, जहां T1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 है तथा T2 समय पर वस्तु का संवेग P2 है। F समानुपाती ∇P / ∇T, जहां ∇P = P2 - P1 संवेग में परिवर्तन, ∇T = T2 - T1 समय में परिवर्तन। यहां समानुपात चिन्ह को हटाने के लिए K एक समानुपातिक स्थिरांक लगाया जाता है। F = K ∇P / ∇T। K = 1 लेने पर F = ∇P / ∇T। F = ∇P / ∇T। F = m ∇V / ∇T। F = m ∇V / ∇T। F = ma। यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। यदि m = 1 किलोग्राम, a = 1 मीटर प्रति सेकंड, तो f = 1 किलोग्राम × 1 मीटर प्रति सेकंड f = 1 न्यूटन N होगा। 1 न्यूटन बल वह बल है जिसे 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाने पर वह 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करता है। न्यूटन बल का SI मात्रक है, इसे N से दर्शाते हैं।